नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले लोगों का सितंबर 2018 का तीसरा सप्ताह कैसा जाएगा? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, आपके लिए सितंबर का तीसरा सप्ताह भाग्य को बदल कर रख देगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके जो भी काम अभी तक रुके हुए थे, जो भी काम आपके अभी तक नहीं बने, वो बन सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। आपको अपने कार्यों के लिए छोटी यात्राओं को करना पड़ सकता है। घूमने फिरने के प्रोग्राम भी बन सकते हैं। यह समय आपके अनुकूल रहेगा। स्वभाव में थोड़ा क्रोध आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके काम बनते चले जाएंगे। 16, 17, 18, 19 शाम तक का समय आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली है। जमीन जायदाद में आप धन का निवेश कर सकते हैं। अपने कारोबार के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कामों को पूरा किया जा सकेगा। अपनों से थोड़ी नाराजगी रह सकती है, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ आपको अच्छी तरह इस समय में मिलेगा। आपको अपने कारोबार से फायदा होगा। धन लाभ होने की पूरी संभावना है। इस समय में आप अपने कार्यस्थल पर काफ़ी बिजी देखे जाएंगे। घर परिवार के लोगों की जिम्मेवारी को आप बखूबी निभाएंगे, लेकिन फिर भी घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी बहस होने की भी संभावना बनेगी। आपका मन अपने घर में नहीं लगेगा। आप अपने कार्यस्थल पर काफ़ी बिजी रहेंगे। दोस्तों, इस समय में जॉब करने वालों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं बनेगा। अपने काम में आप तरक्की पाएंगे। इस समय में नई जॉब के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। आपको अपने काम में प्रमोशन होने की संभावना भी बनेगी। व्यापारियों के लिए नए सौदे तय हो सकते हैं। मुनाफे के सौदे इस समय में हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को इस समय में फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये समय आपके अनुकूल है। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, उसी में आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ेगी, थोड़ा काम का प्रेशर भी आपके ऊपर रह सकता है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इस समय में समाप्त होंगी। केवल थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी आपको रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके अनुकूल रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं 20 व 21 तारीख की। लव लाइफ इस समय में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। 20 व 21 तारीख को अगर आप किसी को चाहते हैं, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं। नए मित्र बनने की पूरी संभावना है। लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप अपने पार्टनर की संगति को एंजॉय करेंगे। घूमने फिरने के प्रोग्राम भी इस समय में बन सकते हैं। महिलाओं के लिए समय काफ़ी उचित है। दोस्तों, इस समय में आप देखेंगे स्टूडेंट्स भी इस समय में कामयाबी पाएंगे। नए जोश व उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कन्या राशि वाले हर वर्ग के लिए सितंबर 2018 का तीसरा सप्ताह काफ़ी भाग्यशाली रहेगा। कई प्रकार की खुशियाँ ये आपके जीवन में लेकर आएगा। वैवाहिक जीवन इस समय में सुखमय रहेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों का साथ आपको मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ आपको मिलेगा। घर परिवार से धन दौलत की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, ये समय आपके लिए अनुकूल है। नए काम की शुरुआत भी आप इस समय में कर सकते हैं। हर तरीके से ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप हर रविवार को मुझे कॉल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। धन्यवाद।